दुश्मन की गोली का शिकार हो गया तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने रिज्यूम में डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए तय किया था कि डेड बॉडी भी उनके घर जाएगी। उसी फौज के जवान श्री राम पूजन यादव जी की तरफ से 100 रुपयों का आशीर्वाद, हालांकि अब उस फौज के नौकरी को घटाकर 4 साल कर दिया गया, नाम इतना बड़ा कर दिया गया जिसका अग्निवीर, और ये हक भी छीन लिया गया कि अगर आप शहीद होते हैं तो आपको, अगर आप मातृभूमि की रक्षा करते हुए इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो आपको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे लोग भी, ये देश का दुर्भाग्य साहब, 27 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जा रहा है और 71 साल का बुजुर्ग आपसे तीसरी बार देश चलाने का मौका मांग रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है साहब। हालांकि मिलने वाला नहीं है, 5वें चरण में ही तस्वीर साफ हो गई है। सुनिए, पुरस्कार तीसरा आया था। आप कहेंगे कि मुंह में मुंह पे चापलूसी कर रहा हूं, आज के जमाने में कोई व्यक्ति अपनी साइकिल किसी को नहीं देता है एक दिन से दो दिन। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी अगर देनी पड़े तो धर्मेंद्र सोलंकी को दे देते, हमारे प्रिय, और इस पूरे सर्किल के, पूरे टीम के सबसे सम्मानित व्यक्ति। हमें पता नहीं चलता कि हमें जरूरत क्या है, मेरी जरूरतों को हमें कहने से पहले ही हमारे सामने दैनिक चीजें हमेशा मुस्तैदी से लेकर के हाजिर रहने वाले, हमें सब सुपुर्द करने वाले हम सबके प्रिय बड़े भाई। और भगवान से प्रार्थना करते हैं साहब, जिंदगी में अगर कभी फिर इंसान का जन्म देना तो इस टीम का हिस्सा फिर से धर्मेंद्र सोलंकी को बनाना, राम नरेश यादव पंचू भैया को। एक बार तालियां बजा के पंचू भैया का स्वागत करेंगे। अभयराज यादव के दादाजी राम कैलाश यादव जी मास्टर साहब के तरफ से ये 100 रुपयों का आशीर्वाद है, तालियां बजा के स्वागत करते हैं आप सब, बहुत धन्यवाद। और अभयराज सागर के भाई अमित यादव छात्र सभा जिला सचिव पता पालीकरण कुर्सिबैया की धरती से बहुत धन्यवाद। जिंदगी 7 दिन के अंदर ही सिमट जाती है, सिर्फ ओनली फॉर 7 दिन। आप 62 साल, 65 साल, 50 साल, 60 साल की कल्पना मत करिए, सिर्फ 7 डे के अंदर आप सिमटते हैं। लाइन है कैसे, हमने एक सभा में कह दिया ढेर दिल टीके नहीं, अरे ढेर दिल टीके नहीं, बलुआ कभी तो, बलुआ कभी तो। श्री जंग बहादुर पहलवान जी की तरफ से ये 200 रुपयों का आशीर्वाद है। चरणों में नमस्ते प्रणाम है आप सबके, नमस्ते प्रणाम। बात बड़ी हो जाएगी, कलाकार बड़े हैं और सब हमसे जानकार और सीनियर कलाकार हैं। गया कवि ने एक दिन, मैं बैठा था देश के, थोड़ा सा आप लोग बैठे हैं, जब बात साहित्य की हो रही है तो थोड़ा 2 मिनट सुनना। हमारे जिले के बगल में एक जिला है जिस जिले का नाम है मऊ, और मऊ जिले में
एक गांव है जिस गांव का नाम है बरवा रत्ती पट्टी। उस बरवा रत्ती पट्टी के रहने वाले भोजपुरी के एक महान लेखक, नाम नहीं सब जानते होंगे लेकिन जब मैं गाना बताऊंगा तो आप जानेंगे। भारत के अंदर वर्तमान समय में भोजपुरी लोकगीतों का उतना बड़ा कवि आज जिंदा है तो सिर्फ एक नाम, जिसका तारकेश्वर मिश्र राही। गीते तो लिखे, सबसे जिंदगी की पहली गीत लिखा था उन्होंने, भरत शर्मा गाए थे, सगरी जिंदगिया बेकार हो गई, एगो रोटी खाती बचपन में मार हो गई। समय बीता तो वही राही ने लिखा कि राम ना बिगड़ी हाँ होकर के हूं ना बिगाड़ी जी, भरत शर्मा गाए। मेहरारू से राती का झगड़ा हो गई, एक हफ्ता ऋषि आई लो राली उनके पंडित आई, 11 बजे रात का कलम उठाना गाना लिख देना, कह ताड़ी कीन दी नाक का नथुनिया, सनिचरे से मुहावा फुलौले वाली धनिया, सुपर हिट गाना चल गई। समय आगे बढ़ल, तुहे राही जी लिखला चोरी करी हा, पपीयू चाहे खींची हा, ठेला गाड़ी हमके साड़ी चाहे, सुन ले हो भाई आप लोग, वो सुपर हिट भाई। देखिए 4 दशक तक राज किया वो कभी, फिर उसी कभी ने लिखा, पटना से पाजेब बलम जी, आरा से उठला ली, मंगवाई द छपरा से चुनरिया छीटे वाली, लोग कहल कि राही अब खत्म, तो 77 बरिस की उम्र में राही ने लिखा, फेंक दिया थरिया, बलम गई ना झरिया, पहुंचले कि ना उठे हिया में लहरिया, पहुंचले कि ना। फिर राही जिंदा हो गए, लोगों ने कहा राही में नई चीज आ गई, कहे मैं नया नहीं हूं, वही ठाट है मेरा। फिर राही ने लिख दिया, खेत बारी बट जाई, अंगना दुअरवा पाई पाई बिरना, कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बिरना। लोगों ने कहा राही खत्म, अब तो न चल पा रहे हैं न लिख पा रहे हैं, कभी की बात कर रहा हूं, साथ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। मेरा एक फेवरेट कलाकार था, स्वर्गवासी हो गया, 8-9 साल हो गया, नाम था रविंद्र कुमार राजू, बैठ के रोने लगा, गुरुजी आपका आशीर्वाद नहीं मिला। राही ने लिखा, अब की छोड़ के गई वो हमके जो हरवाए बलम जी, हमरा के पठा दा नहीं हरवाए बलम जी। 95 बरिस की उम्र है, एक दिन में बैठा था उनके गांव के तरफ गया था, तो एक किताब उन्होंने लिखा है लौकुश काव्य, हमसे कहे गाना तो हमारा तुमने बहुत सुना, एक हमने किताब लिखा है, इसको आप छपवा करके मार्केट में रखवा सकते हो। हमने कहा साहब 10,000 कापी मैं छपवा दूंगा अपने पास से और मैं आपको दे दूंगा, आप घबराए ना। हमको बता रहे थे, बताते बताते एक जगह एक छंद उन्होंने बताया कि सीता को ले जा करके जंगल में छोड़ दिया गया, और जो छोड़ा गया था गुरुजी से उन मुलाकात हुई तो गुरुजी ने कहा कि सीता मैं तुम्हें वापस अयोध्या भेजना चाहता हूं, क्या तुम अयोध्या जाना कबूल करोगी? तो सीता ने कहा प्रभु अयोध्या के लोग मुझे हे दृष्टि से देख रहे हैं, क्या अयोध्या के लोग मुझे कबूल करेंगे? तो तारकेश्वर मिश्र राही ने लिखा कि होला बसंत सदा पतझड़ में। देखिए इस भोजपुरी को, आज का भोजपुरी 2023 में जीव पाक गई। अब घर के बाद में हम कहा बताई, कागजा पर लिख ले रहे हमारे हारमोनिया वाला 75-77 को गाना गाय वाला खाली ढोड़ी पर गाना गा ले रहा हूं। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं इस मंच पे हूं इसलिए कह रहा हूं। कहां जा रहा है भोजपुरी, कितना वल्गर हो गया। राही ने लिखा, होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला। सुनिएगा ये लाइन, एक मिनट। होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला, आ होला हलंत सदा अछरी पर। हलंत माने बुझे तो नहीं समझ ना, खड़ी पाई हेगा लिखा जला तो ऊपर से दिया जला, तो लिखा उन्होंने कि होला बसंत सदा पतझड़ में, बिन पतझड़ कब्बो बसंत न होला, होला हलंत सदा अछरी पर शून्य में कब्बो हलंत न होला। जानकी तुम तो शून्य हो, दुनिया से परे हो, तुम्हारे ऊपर कौन दाग लगाने वाला है। लेकिन हुआ वही, हम कभी किसी धर्म के खिलाफ अपने भाषा का इस्तेमाल नहीं किए। हम लोग बिरहा गाते हैं, बिरहा में रामायण गाया जाता है, महाभारत गाया जाता है, रामायण में वीर रस, हास्य रस, कांड, करुण रस, सारी चीजें गाई जाती है। बिरहा इतनी अच्छी चीज थी भाई साहब, आज भी है, लेकिन बिरहा को कुछ लोग
जैसे हम बोलते नहीं सार्वजनिक मंचों पे, क्या जरूरत है साच कहेंगे, लोग उल्टा बोलेंगे आपको। विराट थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो गया है दूसरे तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, विराह सुनने वाले आदमी विराह सुनते हैं। एक छोटी सी दो लाइन की गीत, व्यक्ति का जीवन संघर्ष भरा होता है, व्यक्ति का जीवन संघर्ष भरा होता है। और विधायक की फरमाइश है, एक हमारे नेता वाली की एक लाइन बस, ये एक लाइन सुन लीजिए मौके की, और एक लाइन वो दो लाइन। रात भर चलेंगे तो फिर मैं देवरिया पहुंचूंगा, और कल फिर रापटगंज सोनभद्र 12 अप्रैल से लगातार पहली सभा आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीलीभीत के पूरनपुर से चालू हुई थी, तब से रोज 8 घंटा 7 घंटा मंच पे खड़ा रहता हूं, जब तक आ नहीं जाते, जब तक चले नहीं जाते, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी व्यवस्था देखना, चले जाते हैं तो फिर उधर के अगली सभा के लिए हम लोग चल देते हैं। कंटिन्यू न खड़ा हो जा रहा है न चल पा रहे हैं, लेकिन एक मन में विश्वास है, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हुई सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। साहब शायद आप नहीं समझते हो, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, एहसान सबका है। साहब की एक बहन है, चुनाव लड़ रही है, कह रही है 2014 के बाद देश आजाद हुआ, अब हम उनका नामे नहीं जानते हैं, कौन है कौन नहीं है। यूट्यूब वाले भाई अभी चढ़ाएंगे, एक मुकदमा और लिख दिया जाएगा, का जरूरी है 4 तारीख तक बचिए जाया जाए। निर्मल कुमार प्रवक्ता जी की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हवाई जहाज में एक दिन 3 लोग जा रहे थे, एक चीन का था, एक जापान का था, एक इंडिया का था। जहाज उड़ गई, 5 मिनट बीता तब तक चीन वाला खड़ा हुआ, कहा मैं सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब गए, कहा चंजीत साहब चले गए लग रहा है। चीन वाला खड़ा हुआ, कहा मैं सर्जन हूं, आवाज ना हो तो। इंडिया वाला कहा तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके किडनी चेंज कर दिया, और जो टाका लगाया उसके 5-6 मिनट के बाद खड़ा हो गया, वो काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। इंडिया वाला कहा ही फेंक रहा है, लेकिन हमारे वाले से भी ज्यादा फेंक रहा है, कह रहा है कि जो हमने टाका लगाया किडनी चेंज करके तो वो 5 मिनट में काम धंधा ढूंढना चालू किया। अच्छा 10 मिनट बीता तब तक जापान वाला खड़ा हुआ, कहा मैं डबल सर्जन हूं। इंडिया वाला कहा ये क्या होता है, कहा कि नहीं मैं डबल सर्जन हूं। कहा तुमने क्या किया, तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके लीवर चेंज कर दिया, लीवर चेंज करके जो टाकाओं का लगा के कंप्लीट किया, 1.5 मिनट बीता तब तक खड़ा होकर वो काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। इंडिया वाला बीच में था, उठा, जाजिया में एयर होस्टेड होती हैं सब जो चाय वे पिलाते हैं, जाके कहा मैडम इसमें खिड़की का है फाटक खोलने वाला, तो कहीं जहाज में फाटक नहीं खुलता, क्या करोगे, तो कहा मैं इसी में से कूदूंगा, तो कहीं कूदोगे तो मर जाओगे, तो कहा मैं मरना ही चाहता हूँ। वो पूछी क्यों, तो कहा दू को गप्पी हमारी बगलिया में बैठ गई वाला सही, इतना नाम के आजीज गजल से वो कहा था कि मैं किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, एक बोल रहा है मैं लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। तो यार होस्टेड ने कहा चुपचाप बैठो, रिकॉर्डिंग हो रही है, पकड़ लिए जाओगे। जाके बीच में बैठा, अभी दोनों कॉलर टाइट करके इतना तेज बोल रहे थे, एक बोला हमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, उधर वाला बोला हमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। देहाती आदमी पहला बेर जहाज में बैठल रहे, खड़ा भइल और कहा चुप रहो, दिमाग खराब है तुम लोगों का, हम इंडिया वालों से भी होशियार हो तुम लोग, तुमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, तुमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, हम इंडिया वालों ने इंडिया में न किडनी चेंज किया न लीवर चेंज किया, हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया।
हमको मना है, नोटिस है मेरे पास कि नाम नहीं लेना है आपको, हम इधर एक महीना से ले ही नहीं रहे हैं नाम। कहा कि हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया, आज जिस दिन से चेंज किया पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया, पूरा इंडिया पूरा। हमसे होशियार थोड़े हो तुम, कहां से देश के लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं साहब? जिले में जो आदमी कैपिटल ढूंढ रहा हो, कैपिटल मतलब समझते हैं आप लोग, तो जाके पूछता हो कि इस जिले का कैपिटल क्या है। देश का जितना फर्जी डिग्री बकुल यही कुल के लगे बा, ये 100 रुपयों का पुरस्कार। अच्छा टंटू भैया के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, अभेराज भैया के छोटे भाई के तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। और ये योगेंद्र नारायण यादव अवर अभिनंदा पीडब्ल्यूडी कटरा सराय इनायत प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती से 200 रुपया का पुरस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। ये राम अवतार राव एडवोकेट हाई कोर्ट, आपके तरफ से 500 रुपयों का आशीर्वाद। और ये सनशाइन पब्लिक स्कूल कोटवा जमुनीपुर प्रबंधक सुनील कुमार यादव, ये दोनों हमारे गार्जियन लोग हैं, आप लोगों के तरफ से ये 1000 रुपयों का आशीर्वाद। एक बार तालियां बजा के स्वागत कर देंगे आप सब, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। दो लाइन, चूंकि जीवन बड़ा अनमोल है, माइये के कोख से हर आदमी पैदा बा, अब माइये के तेरही में उनके बिरह नहीं जाए, तेरही से रही कुल हुई। दो लाइन पार्टी का भी दल का भी गाना सुन लिया लोग, दो लाइन ही या दो लाइन हो, कुल मिला के 5 मिनट में हम समेट दे, 10 मिनट में। अब हम असर